हरे कृष्णा राधे राधे सुरिकिंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज से मम्मी घर फंक्शन स्टार्ट हो गई है और सुंदरकांड की पार्ट है और पूरी लाइव वीडियो देखिएगा। हेलो गाइस, इतनी भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं, सुबह से बस थोड़ा सा खाया था। बिजी इतने थे कि क्या करें, मार्केट का काम, सारे काम, हर चीज़। आपको पता ही है शादी वाला घर है तो बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है। ये देखो मैंने ये सूट वेयर करा चांदनी चौक का, मेरे को शॉप का तो नाम याद नहीं है, बट बहुत टाइम बाद गई थी। और मतलब ये इसने वॉकिंग स्टाइल की येलो कलर की टी शर्ट वेयर करी है। वॉकिंग स्टाइल है हमारा NIT2 फरीदाबाद में चंदन के नेम से। ओके, अगर आप हमारा रेफरेंस दोगे तो आपको बहुत डिस्काउंट मिलेगा। और ये उसकी हम मतलब परमानेंट कस्टमर है, हम उसके अलावा किसी और से ज़्यादा लेते नहीं, बट ट्राई कर लेते कहीं भी, बट उसका ज़्यादा वो है कि हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं। एंड देन ये भाभी है, इस भाभी ने भी चांदनी चौक से सूट वेयर करा है। और इनका सूट इतना होता है, प्लीज़ आइए हमारे घर में, शादी वाला घर है ये, हमारा लुधियाना से आया है ये सोबिन, ठीक है। अभी शादी वाली लड़की बाहर है, अभी हम घर में हैं। और ये हमारी आंटी है बहुत अच्छी, ये हमारे को बहुत हेल्प करती है और ये इतना मतलब हमारा सपोर्ट करती है सारा, हमारा हर चीज़ का कुछ भी बोलो मना नहीं करती थी, प्यार से ट्रीट करती हैं, बहुत अच्छी आंटी है ये, ठीक है। गाइस ये मेरा बेटा है और मेरा बहुत मीठा बेटा है दिव्यांश, ये अभी सो रहा है। इसने इतने अच्छे कपड़े पहने थे बट इसने गंदे कर दिए और इसको मैंने फटाफट से चेंज करे और फिर अब ये अभी थोड़ा बिजी है तो एटलीस्ट इसको थोड़ी भूख भी लगी थी तो हमें अंदर आना पड़ा, ठीक है गाइस। और मैंने ये बैंगल्स भी वेयर करे हैं, ये NIT1 से मैंने परचेज किया है, ठीक है गाइस। आइए सबसे पहले अपनी मधुर वाणी से, मधुर कंठ से सोनाक्षी अरोड़ा अपनी मधुर आवाज से आप सभी को सुंदर भजनों के गाइज जानवी फैमिली ब्लॉग में आज एक बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज मम्मी घर से आ गई हूँ और हम सब ने खाना पीना सब ने खा लिया था और यहाँ पे बच्चे के लिए भी भोग के लिए लाई थी मैं। और लाइट हमारे यहाँ जब से मैं आई यहाँ से गई थी 10 बजे से लाइट कटी हुई है,
चार घंटे से लाइट गई हुई है और लाइट यहाँ आ नहीं रही है, बिल्कुल बहुत परेशान हूँ। एक तो मैं थकी हूँ और ऊपर से लाइट गई हुई है और लाइट जल नहीं रही है क्योंकि अभी इन्वर्टर चल रहा है, हो सकता है अगर ना आएगा तो इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इंतज़ार कर, मुझे तो नींद नहीं आएगी और नींद काफ़ी आ रही है लेकिन आएगी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद से भी ज़्यादा। तो इसी के कारण हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और आज मम्मी घर से आ गई, वहाँ पे आज बहुत अच्छा शुभ दिन था तो वहाँ पे कीर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से दरबार लगा था और इतना सुकून मिला बहुत अच्छे से। तो गाइस चलिए मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, बाय बाय।